अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद फ़ख़्र ज़ैदी और आप लोग देख रहे हैं सेंटर न्यूज़ डॉट पी के। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं यूनिवर्सिटी साहिवाल में। आज स्पोर्ट्स गाला का इनाकाद किया जा रहा है। जैसे कि मेरे कैमरा में दिखा सके, काफ़ी जो है वो शोर व गुल है और काफ़ी एक अच्छे तरीके से आज जो है स्पोर्ट्स गाला का इनाकाद किया गया। मेरे साथ आज जो है वो मौजूद हैं डॉक्टर अयूब साहब, जो कि डायरेक्टर भी हैं ICC के। उनसे बात करेंगे कि उन्होंने एक दाम स्पोर्ट्स गाला का कोविड के बाद जो है उठाया है, तो क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स हैं और आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स के लिए क्या करने जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच आज मुझे टॉक के लिए इनवाइट करने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे आज डबल इवेंट कंडक्ट करवाया है। एक तो ये कि हमने स्पोर्ट्स गाला 2022 ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, साथ में हम आज पंजाब का कल्चर का डे भी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पंजाब की सकाफत को, पंजाब के कल्चर को हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट जो है वो पंजाबी ड्रेसेस में हैं, पंजाब के कल्चर को की रिफ्लेक्शन यहाँ पे शो हो रही है। इसके अलावा कोविड ने जहां काफी सारी इस किस्म की सरगर्मियों को हिट किया था, तो वाइस चांसलर साहब का ये विजन है कि हम इसको बहुत जल्द जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्दी सरगर्मियां हैं, हेल्दी एक्टिविटीज हैं, वो प्रमोट कर सकें। तो उसी सिलसिले में वाइस चांसलर साहब की परमिशन से, उनकी रिकमेंडेशन पर हमने आज ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल का वीक जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, लॉ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह सब। और अभी आपने देखा कि इसका इनॉग्रेट किया है रजिस्ट्रार साहब ने और उनके साथ स्पोर्ट्स डायरेक्टर थे, हमने इसको फॉर्मली इनॉग्रेट किया है। तो हमें उम्मीद ये है कि स्टूडेंट्स ये वाला वीक बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे और इसके साथ साथ उन्हें ये आइडिया होगा कि स्पोर्ट्स की जो सरगर्मियां हैं वो किस कदर जरूरी हैं स्टूडेंट्स की हेल्थ के लिए, स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए। तो आई विश के सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इसको इंजॉय करें। वाइस चांसलर साहब का विजन और मिशन भी यही है कि स्टूडेंट्स को एज मच एज पॉसिबल हेल्दी सरगर्मियों में इन्वॉल्व होना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा फायदा है इस एक्टिविटी का वो ये कि स्टूडेंट्स की एक हेल्दी लाइफ स्टार्ट हो जाती है यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे उनको ये फीलिंग आती है कि हम एक जिंदा ताबिंदा कौम हैं, हम जिंदा ताबिंदा सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के। तो मेरा ख्याल ये है कि इस एक्टिविटी से स्टूडेंट्स को अच्छा खासा इसमें सेलिब्रेट करने और इंजॉय करने का मौका मिलेगा। सर ये बताइएगा मुझे यूब साहब के आज स्पोर्ट्स गाला का आगाज हुआ है, कितने दिन और चलेगा, स्टूडेंट्स को क्या इसमें खेल होंगे, थोड़ा सा शॉर्ट सा आप एक जो है इसमें। ये एक वीक के स्पैन का है, एक वीक का टाइम स्पैन है इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास। इसमें हम क्रिकेट का टूर्नामेंट है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, इसके अलावा फीमेल्स के लिए मेहंदी का कॉम्पिटिशन है, मेकअप कॉम्पिटिशन है, इसके अलावा जो और जो लूडो, बहुत सारी इंडोर गेम्स हैं। तो जो आउटडोर गेम्स हैं उन्हें मेनली क्रिकेट और फुटबॉल हैं और इसके अलावा बैडमिंटन है। जी बेहतरीन हो गया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अयूब साहब जो बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में स्पोर्ट्स गाला बड़े आबोताब से जारी है और जुम्मे तक यह जारी रहेगा। फीमेल्स के लिए भी खासकर बहुत अच्छा जो है गेम्स का इंतजाम किया गया है। मजीद आपको मिलवाएंगे, चला मजीद आगे पर्सनैलिटी से बात करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।